पर इस आदमी ने मेरे को कब से परेशान कर रखा है। हमारी शर्ट भी मैच कर रही है। तो तू भी जा, ऑटो चला जा। ओ पुलिस आ गई। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तहे दिल से वापस से स्वागत करता हूं आप सभी का। और सॉरी, मैं दिवाली में वीडियो नहीं डाल पाया। तो अभी दिवाली के बाद वैकेशन है, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी फ्री हैं, तो हम लोग ऋषिकेश जाने का सोच रहे हैं। तो आज मैं ऋषिकेश के लिए निकल रहा हूँ, तो वही सब पैकिंग अभी चालू है। पूरा बैड ऐसा फैला हुआ है और मैं और मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड हैं, तो हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं। सो काफ़ी एक्साइटेड हैं उस चीज़ के लिए कि एक्चुअली वहाँ पे सबसे बड़ा मेन मेरा रीज़न जाने का ये है कि वहाँ पे बंजी जंपिंग करने वाला हूँ मैं। सो लेट्स सी वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है। तो वहाँ के जितने भी वीडियोज़ रहेंगे डे बाय डे आप लोग को देखने को मिलते रहेंगे। तो अभी मैं पैकिंग कर लेता हूँ फटाफट और फिर उसके बाद निकलते हैं घर से, आगे की बात करते हैं। तो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ गया है अभी। अभी चश्मा वश्मा पहनने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कर। अभी हम लोग इस गाड़ी पर जाने वाले, फटाफट मैं भी ले लेता हूँ बैग वैग। चलो चलो। तो निकलते हैं अभी फटाफट। कहाँ है? कोई बात नहीं, बोतल ले लेंगे। शांति रखना। चलो चलो, क्या करना। ठीक है, मैं देखेंगे। अरे चल रहे, इतना वो मत कर, पागल वागल है तू क्या? कहीं जा रहा है क्या? कितने ट्रिप पे जा रहा है? तो एक तो देख इसके मम्मी। अरे आंटी, वो मम्मी मानती नहीं है, खाने का भी सब कुछ डाल दिया। हाँ रुक जा, रुमाल भी बोले मम्मी जस्ट ले जाओ, ऐसे बहुत सारे रुमाल नहीं लिया मम्मी मैंने। मम्मी रुमाल नहीं लिया मेरे काम, मेरे लिए नहीं। नहीं आंटी, मेरे पास काफ़ी है, मेरे पास काफ़ी है, इसलिए मम्मी ने इतनी सारे सामान ज़्यादा डाल। हम लोग का ट्रेन है अभी 5:45 का ट्रेन है और अभी हम लोग 4:30 बजे घर से निकले हैं। और अभी इसको, इस आदमी को अभी जो शर्ट वर्ट सिलाने डाला कर रहा है, सब कुछ किया, वो इसको लेना बाकी है। तो भाई सामने देख के गाड़ी चलाना, ठोकते ठोकते रहा है अभी गाड़ी को, इसने पूरा वो बना रखा। ट्रक में भी कोई क्या इतना सामान डालता हो, इतना इसने डाला था। मेरे ये समझ नहीं आता, एंड टाइम पे जब निकलने का टाइम होता है उस टाइम पे कौन ये कपड़े वगैरह जो सिलाए हुए रहते हैं वो लेने के लिए आता है। अभी निकलने का ट्रेन का टाइम हो रहा है और यहाँ पे ये भाई साहब ने स्टिच करने के लिए कुछ कपड़े दिए थे, वो लेने के लिए भी आए। जल्दी जल्दी गुंजी, तुम लेट हो आदमी। अभी फिलहाल हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से करीबन हम लोग को स्टेशन पहुँचने के लिए लगेगा 20 मिनट करीबन लगेंगे। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सियान मंडप गार्डन है जिसमें मैं वीडियो वापस ऋषिकेश से वापस आने के बाद वीडियो बनाने वाला हूँ। और जब तक आप देखिए, थोड़ा बाहर का मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ का ये सियान मंडप पार्क है, वर्ल्ड के जितने भी सियान मंडप हैं वो सब यहाँ पे एक ही जगह पे बनाए गए, काफ़ी अच्छी जगह है। तो मैं स्पेशली इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो जरूर देखिएगा। सो वी आर अबाउट टू रीच कोटा रेलवे स्टेशन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाली ये बात है कि हम लोग दो लोग यहाँ से ऋषिकेश जा रहे हैं और हमारा एक फ्रेंड है जो कि जयपुर से आने वाला है। तो वी प्लान्ड समथिंग लाइक वो जयपुर से निकल के सवाई माधोपुर से वो ट्रेन पकड़ने वाले थे, बट अभी वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो ट्रेन पकड़ेगा, उसने जस्ट अभी ट्रेन पकड़ी है और वो उसको मेरे आई डोंट थिंक कि वो ट्रेन पकड़ भी पाएगा जिस ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं। तो जिस टाइम पे ये ट्रेन सवाई माधोपुर पहुँचेगी उस टाइम पे वो भी पहुँच पाएगा या नहीं, उसका कोई आइडिया नहीं है। अंधा लग, इसमें ही अंधा नहीं लग रहा आप लोग? नहीं अंधा, स्मार्ट लग रहा है बाकी लोगों का। मतलब फुल, मैं तो हर जगह जहाँ पे भी ट्रैवल करता हूँ आप लोग ने देखा है कि सिंपल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के, शॉर्ट्स तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, हर समय मैं शॉर्ट्स में रहता हूँ। बाकी ये भाई साहब एक शर्ट वर्ट पहने लग रहा है कि ट्रैवल कर रहा है, मतलब इसका एयरपोर्ट वाला लुक है। मतलब ये आदमी शिवानी, हम लोग का ट्रिप है 4 दिन का ट्रिप है पर इसका सामान ये लेकर आया 10 दिन के साथ। हम लोग कोटा जंक्शन तो पहुंच चुके, वी आर 20 मिनट्स अर्ली ओवर हियर
और वो हमारा जो तीसरा फ्रेंड है वो भाई साहब यदि सही टाइम पे आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि साथ में जा पाए, वरना हमारा पूरा ट्रिप स्पॉइल होने वाला है। भैया जो पीछे खड़े उन्होंने फोटो खींच के दिया अभी मेरे को, और इस आदमी ने मेरे को कब से परेशान कर रखा है। हमारी शर्ट भी मैच करती है। तू भी जा, ऑटो चला जा। चलो काफी थैंक यू। तो अभी हम लोग जमा लेते हैं हमारा सामान जितना भी सीट है उसके नीचे। वैसे मेरा सामान तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, जो इस आदमी का ये सबसे ज़्यादा सामान, चार दिन के ट्रिप में ये 10 दिन का सामान लेके चल रहा है साथ में। बस अब ट्रेन रवाना होने का इंतजार है, अबाउट टू लीव ओनली, मतलब 5 मिनट का समय खाली। तो मतलब ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है, हम लोग ने एसी में ही रिजर्वेशन कराया, बिकॉज वो लास्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था अवध एक्सप्रेस का बहुत ही बेकार था। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी सवाई माधोपुर स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं, और जो हमारा फ्रेंड था वो सवाई माधोपुर पहुँचने वाला था, वहाँ से ये ट्रेन कैच करने वाला था। बट वो दिमाग से है थोड़ा पैदल, तो वो वहाँ से चढ़ा नहीं। अभी दूसरे स्टेशन से वो आगे भरतपुर से चढ़ेगा, वो भी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो चढ़ेगा भी कि नहीं चढ़ेगा। अगली आवाज़ आप सुनेंगे राहुल शिवानी। तुझे क्या लगता है चढ़ेगा? क्या लगता है वो आज? एक्चुअली क्या, इसका नाम भी राहुल है और उसका नाम भी राहुल है, तो राहुल राहुल एक दूसरे का साथ निभा रहे और कुछ नहीं है। पर हम दोनों अलग हैं, जरूर आ जाएगा। अच्छा तू तो ऐसे बोल रहे थे न्यूज़ में जैसे बोलते ना, मुझे तो यही लग रहा है कि आ जाएगा। आगे चलें, अभी चल रहे हैं 2 मिनट को। और ये जो अंकल जी अभी गए ना पीछे, डीसी अंकल, टीटी अंकल, ये हम लोग से करीबन 5 या 6 बार पूछ के चढ़ चुके हैं। एक्चुअली क्या, जो बंदा चढ़ेगा नहीं उसका सीट ऑब्वियसली किसी और को लौट करना पड़ेगा। वो भरतपुर स्टेशन से बैठने वाला है, आप कैसे जाएंगे? तो देखो वो मिलता है तो उसका तो मार खा के बुरा हाल बनाने वाला है ना। आ गया फाइनल स्टेशन आ गया, मतलब खाली 1 मिनट का डिस्टेंस था। अरे वो वाला गेट खोल, वो जिस ट्रेन से रुका हुआ है, जिस ट्रेन से उतरा है अभी, वो जैसे ही रुकी हमारी ट्रेन भी रुकी है, तो वो फटाफट से बैठ जाए तो अच्छा है। मिला क्या है क्या? तू कहा गले मिल रहा है लोगों से यार। यही है वो आदमी, आ चुका है फाइनली, तो मिलते आगे, बाय।